Obviously, Canada, it will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. बीते कुछ समय से खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें शह मिल रही है कनाडा की। दुनिया भर में सिखों की सबसे ज्यादा आबादी भारत के बाद कनाडा में ही है, इसलिए उसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। खालिस्तानियों की भारत विरोधी विचारधारा की हमेशा भारत की ओर से आलोचना ही की गई है। How Canada has dealt with the Khalistani issue has been a long-standing concern. Because very frankly, they seem to be driven by vote bank politics. मगर कनाडाई सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। हाल ही में G20 बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। इसमें दुनिया के 20 देशों के लीडर्स भारत पहुंचे थे। उनमें ही शामिल थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो का भारत में आना महज एक फॉर्मेलिटी मात्र था और उनके यहाँ आते ही भारत समेत कनाडा के मीडिया ने भी उन पर सवालों की बरसात कर दी। पहले तो खालिस्तानी चरमपंथी मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो को कई बातें बोली। G20 बैठक में भी उनका कुछ खास उत्साह दिखा नहीं और अब उसके बाद ट्रूडो को अपने देश में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के मुख्य न्यूज़पेपर टोरंटो सन ने दिस वे आउट टाइटल के साथ पहले पेज पर एक खबर छापी। पीएम मोदी ने राजघाट पर ऑफिशियली हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को आगे बढ़ने का इशारा किया। ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो को नजरअंदाज किया गया हो। ऐसा पिछले G20 में भी शी जिनपिंग ने किया था। एक रात पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से G20 नेताओं को दिए गए डिनर में ट्रूडो नहीं गए। कनाडाई प्रधानमंत्री ऑफिस ने ये बताने से इनकार कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। G20 में ट्रूडो को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी समस्याएं उस वक्त और बढ़ गईं जब उनके विमान में तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से उनके वापसी में देर हो गई, जिससे कनाडाई डेलीगेशन 24 घंटे तक दिल्ली में फंसा रहा। इसके बाद पीएम ट्रूडो के लिए कनाडा से एक एयरक्राफ्ट भेजा गया। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसी विदेशी समाचार एजेंसियों ने बताया कि ट्रूडो को उनकी बातचीत के दौरान पीएम मोदी से डांट और आलोचना मिली, जिसे कनाडाई समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है। ट्रूडो के भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने बाकी लीडर्स की तरह ट्रूडो के लिए कोई वेलकम नोट भी पोस्ट नहीं किया, जो खालिस्तानी मामले पर भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव को साफ साफ दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की कड़ी चिंताओं से रूबरू कराया था, जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़क रही है और वहां भारतीय समुदाय को धमकी दी जा रही है। कनाडा में खालिस्तानी ताकत की बढ़ती गतिविधियों पर भारत की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही हिंसा को रोकेगा और नफरत का हमेशा विरोध करेगा। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time, as we're always there to prevent violence, to Trudeau हमेशा से ही मोदी विरोधी नीतियों का समर्थन करते हुए दिखे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारत और कनाडा के संबंधों में और क्या बदलाव आएंगे।